हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो ये चार हम आपके लिए बोलते हैं, और चूंकि प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं और ये आपके समय के अनुसार बोलते हैं, क्लियर। बाकी हम इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। चलिए उससे आगे का न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि उससे आगे का न्यूमेरिकल, क्लियर। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ए पेंडुलम ऑफ मास 80 mg। तो चलिए सबसे पहले इसका मास दिया हुआ है, तो मास हम लोग लिख सकते हैं, ये कितना है आपका mg, 80 mg। ये अगर आप देखें तो ये मिलीग्राम है, एसआई यूनिट में नहीं है। तो चलिए हम इसको एसआई यूनिट बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10^-6 के। और इस पेंडुलम पर चार्ज कितना है, तो चार्ज आपका है 10^-8 कूलम। तो ये एसआई में, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया हुआ है कि ये 2×10^4 वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जैसे अगर आप, तो हमें टेंशन निकालना है और वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनता है वो कैलकुलेट करना है, क्लियर। ना चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर समझते हैं। ना देखिए आप कि ये आपका एक पेंडुलम था, क्लियर। तो ये आपका हो गया पेंडुलम बॉल, क्लियर। बॉल का मास आपको दिया हुआ है, और इस तरीके से यहां पर ये कह रहा है कि ये इस तरीके से यहां पर ये हॉरिजॉन्टल फील्ड काम कर रहा है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, और यहां पर देखें तो ये यहां पर चार्ज भी है, चार्ज कितना है क्यू। तो जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से आपका यहां पर फोर्स लगेगा, क्लियर। तो ये फोर्स हो गया, फोर्स हो गया एफ। तो चलिए एक फोर्स तो ये काम किया, दूसरा अगर आप देखें तो इसका वेट किधर काम करेगा, तो वेट एमजी नीचे की ओर। और अगर आप देखें तो ये एंगल कितना है, ठीक है, जो वर्टिकल से बढ़ रही है, जो इस वर्टिकल से, क्योंकि जब आप इस पेंडुलम को हैंग करेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो ये इस फोर्स के कारण ये पेंडुलम इधर आ जाता है। तो जिसके कारण इस धागे में टेंशन उत्पन्न होगा, और अगर इस लाइन को आप ऊपर ले जाएं, तो ये एंगल अगर थीटा है, तो हम पहले भी आपको बताएं कि ये एंगल क्या हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमें निकालना है टी, टेंशन और थीटा, टेंशन और थीटा। ना अगर आप देखें इस टी को अगर आप दो पार्ट में रिसॉल्व करें, तो ये रिसॉल्यूशन कितना होता है टी कॉस थीटा, और ये रिसॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा टी साइन थीटा। और कहता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो दिस इज फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। तो फॉर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था, साम्यावस्था के लिए। साम्यावस्था का मतलब बॉडी पर फोर्स काम कर रहा है लेकिन वो रेस्ट में है। तो जब ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में बॉडी तभी हो सकती है जब आपका टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हमें निकल जाएगा टी कॉस थीटा इट इज इक्वल टू एम जी एन एंड एफ, और इट इज एफ, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। तो ये निकला टी साइन थीटा इट इज इक्वल टू एफ, और F इज इक्वल टू आप जानते हैं F इज इक्वल टू कितना होता है Q into A, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले तो थीटा आपको बहुत आराम से निकल जाएगा कि अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें कि दिस इज T sin थीटा बाय क्या होगा T cos थीटा, तो T sin थीटा का वैल्यू है Q into E बाय T cos थीटा का वैल्यू है mg। ये T कैंसिल होगा और आपको बच जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Q into E by mg। क्यों का वैल्यू 2×10^-8 कूलम,
Now e, e का वैल्यू 2 into 10 to the power 4, clear? और mg, m का वैल्यू 80 into 10 to the power minus 6 into 10, into 10, clear? Now चलिए कैलकुलेशन करते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर गौर से देखें तो ये आपका हो जाएगा 1 0 2 0 2 0, इसमें माइनस हो गया माइनस 4, और ये माइनस 4 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 4, प्लस 4, क्लियर। और ये प्लस 4 जब होगा तो ये यहां पर प्लस 4 पहले से है, प्लस 4 प्लस 4 8, 8 ये माइनस 8, इसका मतलब 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0, क्लियर। तो ना चलिए इसको हम लोग लिखते हैं कि दिस इज 4 into 10 to the power minus 8, 10 to the power 8, और नीचे क्या हो जाएगा, this is 8 into 10 to the power minus 4, okay? ये 4 से 8 cancel होगा, तो ये हो गया 2, और ना अगर देखें यहाँ पर, तो ये आपको निकल रहा है 10 theta, 10 theta is equal to, ये ऊपर जाएगा, it is equal to 0.5 into 10 to the power 0, it becomes equal to 0.5. तो 10 थीटा इज इक्वल टू 0.5, तो इस तरीके से आपको यहां पर थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 इनवर्स 0.5। तो चलिए अगर आपके पास कैलकुलेटर है या टेबल है तो दो स्थिति में आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसका वैल्यू नहीं लिख सकते। इसी तरीके से हम लोग छोड़ देंगे कि जैसे 10 इनवर्स 0.5, वैसे अगर आप कैलकुलेटेड वैल्यू देखें तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू 27 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं 27 डिग्री, क्लियर। ना देखें आप, आपको हम प्रॉब्लम को मिटा रहे हैं, आपको क्या निकालना है, आपको टेंशन निकालना है टी का वैल्यू, और आप सोचें कि आखिर हम टी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, थीटा वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो थीटा वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, तो देखिए यहां से अगर हम इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये आपका बन जाएगा, जैसे इधर स्क्वायर कीजिए टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इस दोनों को स्क्वायर किया, इधर आपका क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई का होल स्क्वायर प्लस प्लस एम इंटू जी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन, और इधर आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आपको बच गया क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1, और ये हमें मिल जाता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, और इससे आपको t का वैल्यू निकल जाएगा, तो t का वैल्यू होगा q e का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर का रूट, सारे का वैल्यू पुट कर दें तो सारे का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो q का वैल्यू दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 8, it is 4 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा this is 80 into 10 to the power minus 10 into 10, क्लियर ना। चले यहां पर तो ये देखें, ये आपका टी टी से पलटो कितना आ रहा है, दिस इज 2 into 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब 16 इंटू, यहां पर देखें ये माइनस 4 है ये प्लस 4 है तो माइनस 4 बचेगा इंटू 2 माइनस 8, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 8, क्लियर। इधर आप देखें तो इधर भी आपका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, तो 8 into 8 64 into 10 टू द पावर माइनस 8, क्लियर। तो 10 टू द पावर माइनस 8 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज 16 प्लस 64
इंटू टेन टू द पावर माइनस एट, और ये आपको आ रहा है दिस इज 70 80 इंटू टेन टू द पावर माइनस एट। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 4√5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं। तो चलिए ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम सॉल्व किए। बाकी इस क्वेश्चन को आप अपने से भी सॉल्व करेंगे, फिर आप नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछें। क्लियर, तो चलिए इसको राइट करें फिनिश। ओके कंप्लीट। नाउ देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। तो जैसे हमें कहता है कि आप देखें यहां पर कि पहले भी आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं, ये -2 और यहां पर एक पॉइंट है। चलिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है r/2, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है r/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम लोग सुपरपोजिशन और फोर्स की क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। पहले सबसे पहले क्या करते थे, नेचर ड्रॉ करते थे, सबसे पहले नेचर ड्रॉ करते थे। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां पर निकालना है, ऊपर। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे हम नेचर ड्रॉ कर देते हैं। जब आप इसके नेचर को ड्रॉ करेंगे तो ये देखें आप, ये पॉजिटिव है और जहां पर निकालना है, कैलकुलेट करना है, वहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लें। कहने का मतलब है कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, कैसा नेचर होगा, रिपल्सिव। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E1। अगेन आप देखें ये निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, अगेन क्या होगा, अट्रैक्टिव, E1+E2। और यहां पर ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कुल विद्युतीय क्षेत्र, कुल विद्युतीय क्षेत्र कितना मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा E=E1+E2। फार्मूला आप जानते हैं कि इस चार्ज के लिए अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो फार्मूला क्या था, KQ/R2। तो नाउ आपको हो जाएगा दिस इज KQ/R2 प्लस अगेन KQ/R2, तो R/2। चलिए ये 4 ऊपर जाएगा, ये भी 4 ऊपर जाएगा और आपको बच जाएगा 8KQ/R2। इट इज आंसर। जहां पर आपको जरूरत पड़े तो वहां पर आप K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। क्या समझ गए होंगे ना। इसी तरीके से अगर हमें ये पूछा जाए, जैसे यहां पर था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो यहां भी ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहां पर भी हम +Q ले लेते हैं और यहां भी +Q लेते हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। इसका भी क्वेश्चन वही हुआ, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। और चलिए यहां से डिस्टेंस हम ए मान लेते हैं और इधर भी डिस्टेंस ए मान लेते हैं। तो अगेन क्या करेंगे, अगेन हम नेचर ड्रॉ करेंगे, अगेन सबसे पहले नेचर ड्रॉ करेंगे, फिर देखें आप ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कैसा नेचर हुआ, रिपल्सिव। अगेन ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कैसा नेचर होगा, रिपल्सिव। और यहां पर अगर आप देखें गौर से
तो ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इस कर तो कितना मिल जाएगा, E1 - E2। E1 इस चार्ज के लिए है, E2 इस चार्ज के लिए है। फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, KQ / A² - KQ / A² = 0। चलिए क्लियर, समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। नेक्स्ट कि उसके सराउंडिंग में, तो उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्ज हैं तो सारे चार्ज के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर ड्रॉ कर देंगे। और जब आप नेचर ड्रॉ करेंगे तो खुद ब खुद आपको एक आंसर मिलेगा। चलिए उसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको ऐड करें, चलिए ऐड करें, चलिए मिटा देते हैं। कहा देखे यहां पर तो कहते हैं कि टू चार्ज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू चार्जेस 10 माइक्रो कूलम या 5 माइक्रो कूलम रहने दें, 5 माइक्रो कूलम ईच आर प्लेस्ड एट टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड कॉर्नर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड कॉर्नर। कहने का मतलब हुआ कि दो बिंदु आवेश प्रत्येक 5 माइक्रो कूलम एक समबाहु त्रिभुज दो किनारे पर समबाहु त्रिभुज भुजा 10 सेंटीमीटर के दो किनारे पर स्थित है, तो त्रिभुज के तीसरे किनारे पर कुल विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। क्या चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको कहता है, जैसे आप यहां से देखिए कि ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लियर। चलिए यहां पर दो साइड हम लेते हैं, ये आपका ए हुआ, तो चलिए यहां पर Q1 है और इस पॉइंट पर Q2 है, ये बी है आपका, ये सी। क्लियर, हमने आपको यही कहा था, बाकी साइड आपको दिया हुआ है। इट इज 0.1 मीटर कि जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है, तो कौन सा पॉइंट बचा, तीसरा सी। तो जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, एक Q1 दूसरा Q2, क्लियर। दोनों का नेचर ड्रॉप है। अगर आप इस Q1 को देखें तो ये प्लस है, जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं वहां पर भी प्लस लेते हैं, तो ये प्लस प्लस रिपल्सिव हुआ E1। नेक्स्ट आप देखें यहां पर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस रिपल्सिव, इट इज क्लियर। तो इस तरीके से E1 और E2 का मान निकाल लेंगे। तो ये यहां पर आपको दिया हुआ है Q1 Q2 5 माइक्रो कूलम 5 × 10⁻⁶ एन आर R = 0.1 मीटर। एक चीज आप अपने मन में सोच सकते हैं
मैं सोचने का मतलब देखें आप, यहाँ पर यहाँ भी चार्ज Q1 5 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 0.1 मीटर, अगेन यहाँ भी देखें चार्ज 5 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 0.1 मीटर। तो इस तरीके का क्वेश्चन देता है आपको। तो इसका मतलब है कि Q1 के कारण E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 के कारण E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए कि दिस इज E1, इट इज इक्वल टू E2, चलिए इसको हम E मान लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो K³/R² K का वैल्यू 9×10⁻¹ क्यू, तो क्यू का वैल्यू आपको होगा, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5×10⁻¹ बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इट इज 0.1×0.1। चलिए इस दोनों पॉइंट को हटाइए, तो ये यहां पर आ गया 10⁻²। चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 9×5 45 इधर पावर में 9+2 11-6, तो 45×10⁵5 इतना न्यूटन पर। क्लियर, बाकी आप इसके बाद सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व अगर करेंगे तो ये एंगल आप जानते हो कि ये एंगल थीटा कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। और अगर दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल अगर आपको पता है तो आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, जस्ट आप पहले में r = √a² + b² + 2ab cos θ, 2ab cos θ। क्लियर, इसी तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं a = चलिए रिजल्टेंट er = e1² e2² 2 e1 e2 cos θ। क्लियर, चलिए इसका भी वैल्यू e, तो 2e into e into cos 60 अगेन आप देखो यहां से 2e² + 2e² × ½, ये 2 तो कैंसिल, फाइनली हमें बचा क्या, तो फाइनली बच गया 3e² और आंसर हो जाएगा आपको 3√3e। तो देखिए e का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए हैं, तो ये आंसर हो गया 45√3×10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी राइट करें। ओके थैंक्स। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ना देखें टाइप का क्वेश्चन, तो ये कहता है कि टू चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम चार्ज वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्लियर, कहता है दो आवेश 4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कहते हैं 4 माइक्रोकूलम आवेश से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां कुल
जहां कुल विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र शून्य है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तनाव देखें तो ये आपको क्वेश्चन कहता है कि यहां पर जैसे आप देखें कि ये आपका कहता है दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा कौन सा है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.3 मीटर दिया है और कहता है वह पॉइंट प्राप्त करें, वह डिस्टेंस प्राप्त करें जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सुनो। तो वो पॉइंट तो हमें पता नहीं, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट वो है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बात समझ गए, क्लियर। फिर हम नेचर ड्रॉ करेंगे उसी तरीके से, जैसे आप देखो ये प्लस है, ये प्लस है, नेचर कैसा होगा रिपल्सिव, ये प्लस है, ये प्लस है, नेचर कैसा होगा रिपल्सिव, क्लियर। फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे। बात समझ गए, तो चलिए बनाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। लेट एक्स बी द डिस्टेंस वेयर वेयर नेट फील्ड इज जीरो। क्या इसका मतलब क्या हो गया, मतलब हुआ कि माना कि एक्स दूरी पर क्षेत्र क्या है, क्षेत्र शून्य है। ठीक है, तो नेट फील्ड ई, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। नॉट इन फ्रॉम क्वेश्चन ए इज इक्वल टू क्या कहता है, ए इज इक्वल टू जीरो, तो E1 माइनस E2, और इससे आपको फाइनली मिल जाएगा कि ये कितना हो जाता है E1 इट इज इक्वल टू E2। चलिए इस चीज को समझ गए, क्योंकि देखिए यहां पर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि वो पॉइंट निकालें जहां पर नेट फील्ड जीरो, तो नेट फील्ड जीरो हमने एक्स पॉइंट पे मान लिया, और यहां पर जो हमें नेट फील्ड निकला वो E1 माइनस E2 निकला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन हमें कहता है कि वहां पर नेट फील्ड जीरो हो, तो नेट फील्ड जीरो होगा मतलब ये जीरो हो, तो E1 इज इक्वल टू E2, दोनों के लिए फार्मूला लगाइए। तो जब आप दोनों के लिए फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा K Q1 बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस देखे कितना है एक्स है, दूसरा क्या होगा K Q2 बाय, अगर इधर आपने एक्स ले लिया तो इधर बचा कितना, तो ये आपको बच गया 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए के कैंसिल, Q1 का वैल्यू 4 × 10⁻⁶ बाय एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 16 × 10⁻⁶ बाय 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, ये देखिए ये पूरा पार्ट कैंसिल हो रहा है 4। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, जैसे आप चाहें उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 0.3, तो इसको सबसे आसान 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स इक्वल टू 4, और इसे आप लिख सकते हो 0.3 माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4। क्लियर, फाइनली 0.3 माइनस एक्स बाय एक्स ये कितना निकल जाएगा आपको, तो ये रूट है तो 2, और सॉल्व करें तो 0.3 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 2x, तो 0.3 तो ये हो गया 2x प्लस एक्स, इट बिकम इक्वल टू 3x। क्लियर, और ये x इज इक्वल टू कितना होगा 0.3 बाय 3, इट इज इक्वल टू 0.1 मीटर, जिसे आप सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, मतलब कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो आई थिंक इस इतने क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, तो इसको समझे पढ़े और फिर अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब आप अपने से सॉल्व करने लगेंगे तो ये फिर आपका आपके लिए सही हो जाएगा। ओके, चलिए इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर हम नेक्स्ट
मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट मतलब आगे का पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।